नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर गपशप और ज्ञान, जहां हम नई नई तकनीक और उनकी कृषि में संभावनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मेरा नाम समीर मिश्री है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आने वाले समय में खेती की दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं AI, जो खेती में क्रांति ला रही है। इस वीडियो को हम जानेंगे कि AI क्या है और ये खेती में कैसे काम करता है, उसके फायदे, चैलेंजेस और कैसे आप इसे अपने खेतों में लागू कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को इंसान की तरह सोचने, सीखने और निर्णय लेने की क्षमता देती है। AI का उपयोग आजकल हर क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन खेती में इसका योगदान बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। अब सवाल उठता है कि AI को खेती में कैसे काम कर सकते। तो कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर में AI का मुख्य उद्देश्य डेटा का विश्लेषण करके सही समय पर सही निर्णय लेना है, जैसे कि मौसम के पूर्वानुमान से फसल की वृद्धि का आकलन और यहाँ तक कि कीटों का और रोगों की पहचान करना। उदाहरण के लिए AI संचालित ड्रोन फसलों की स्थिति का हवाई निरीक्षण कर सकता है, जिसे हमें पता चल सकता है कि कौन सी फसल को अधिक पानी की जरूरत है और किसे कम। इस प्रकार AI का उपयोग खेती के हर पहलू में प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में किया जा सकता है। AI का उपयोग खेती में कई तरीकों से किया जा सकता है, जिससे ना कल केवल किसान की मेहनत कम होती है बल्कि फसल की गुणवत्ता और उत्पादन की बेहतर होता है। चलिए हम समझते हैं AI के कुछ प्रमुख फायदे। पहला है डेटाबेस डिसीजन। AI की मदद से किसान कृषि में प्रत्येक निर्णय को अधिक सटीकता से ले सकते हैं। इसके द्वारा किसान अपनी फसल की वृद्धि, मिट्टी की गुणवत्ता और यहाँ तक कि बाजार की मांग का विश्लेषण भी कर सकता है। उदाहरण के लिए AI आपको बताता है कि कौन सा बीज किस समय बोना सबसे लाभकारी होता है और उसे किस प्रकार का खाद्य या कीटनाशक इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है कॉस्ट सेविंग। AI के उपयोग से खेती की लागत में कमी हो सकती है। स्मार्ट सिंचाई प्रणाली की सहायता से आप सिर्फ उतने ही पानी का उपयोग कर सकते हैं जितना जरूरी है, जिससे पानी की बचत होती है और ऊर्जा का कम खर्च होता है। इसी प्रकार कीटनाशक और खाद्य की सही मात्रा से उपयोग करके हम पैसे बचा सकते हैं। तीसरा है ऑटोमेशन इंपैक्ट। AI संचालित मशीनों के साथ खेती करना अब बहुत आसान हो गया है। ड्राइवरलेस ट्रैक्टर और रोबोटिक हार्वेस्ट जैसे उपकरण न केवल समय की बचत करते हैं बल्कि मेहनत भी कम करते हैं। ये मशीनें इतनी स्मार्ट होती है कि खेतों में बिना किसी इंसानी सहायता से काम कर सकती है। चौथा है डिजीज एंड पेस्ट डिटेक्शन। AI की मदद से हम फसलों में रोग और कीटों को का जल्दी पता लगाने का संभव हो गया है। इससे किसान समय पर उपचार कर सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। कंप्यूटर विजन तकनीक के माध्यम से फसल की तस्वीरों का विश्लेषण किया जाता है, जिससे बीमारी की पहचान हो सकती है। पांचवा है प्रिसिशन फार्मिंग। AI की सहायता से सटीक खेती की जा सकती है। यह तकनीक आपको खेत में हर हिस्से की जानकारी देती है, जिसे आप जान सके कि कौन से हिस्से में अधिक खाद डालनी चाहिए और किस हिस्से में कम। इससे फसल की उत्पादकता बढ़ती है और खेती में लागत कम होती है। AI में कई एप्लीकेशन जो कृषि के विभिन्न पहलुओं में मदद कर सकते हैं। आइए इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को विस्तार से समझते हैं। पहला है ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम। AI और IoT सेंसर से संयोजन से स्वचालित सिंचाई प्रणाली तैयार की गई है। ये प्रणाली फसलों की सही मात्रा में पानी देने के लिए डिजाइन की गई है। सेंसर्स मिट्टी की नमी को लगातार निरीक्षण करते रहते हैं और आवश्यकता पे अनुसार पानी की आपूर्ति करते हैं। इससे पानी की बर्बादी कम होती है और फसल की वृद्धि में सुधार होता है। दूसरा है डिजीज एंड पेस्ट डिटेक्शन।
तो एआई की मदद से फसलों में रोग और कीटकों का पता लगाने के लिए कंप्यूटर विजन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए ड्रोन और कैमरे का इस्तेमाल किया जाता है जो खेतों की हवाई तस्वीरें लेते हैं। इन तस्वीरों का विश्लेषण एआई के द्वारा किया जाता है जिससे यह पता चलता है कि फसल किस प्रकार की है, बीमारी या कीट का आक्रमण हुआ है। इसके आधार पर किसान तुरंत उपाय कर सकते हैं। तीसरा है क्रॉप एंड सॉइल मॉनिटरिंग। एआई तकनीक का एक महत्वपूर्ण उपयोग फसल और मिट्टी की निगरानी में है। सेंसर्स और एआई आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, फसल की वृद्धि का नियमित विश्लेषण किया जाता है। इससे परिणाम स्वरूप किसान सही समय पर आवश्यक कदम उठा सकते हैं, जैसे कि खाद डालना या सिंचाई करना। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है और पैदावार बढ़ती है। चौथा है यील्ड प्रेडिक्शन। एआई की मदद से फसल की उपज का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके लिए पिछले वर्षों के डेटा और मौजूदा परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। इससे किसान पहले से ही अपनी फसल की उपज का अनुमान लगा सकते हैं और बाजार की तैयारी कर सकते हैं। पांचवा है यूज ऑफ रोबोटिक्स इन एग्रीकल्चर। एआई और रोबोटिक्स का संयोजन अब खेती में तेजी से हो रहा है। एआई संचालित रोबोट खेतों में बुआई, कटाई और यहाँ तक कि कीटनाशक में छिड़काव का काम कर सकते हैं। ये रोबोट बेहद सटीक होते हैं और कम समय में अधिक काम कर सकते हैं। इससे किसानों की मेहनत कम होती है और उत्पादकता वृद्धि होती है। एआई के कई फायदे होने के बावजूद इसमें काफी सारी चैलेंजेस हैं। आइए उन चैलेंजेस के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला है हाई इनिशियल कॉस्ट। एआई तकनीक को अपनाने के लिए शुरुआती निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, जो छोटे और मध्यम वर्ग के किसानों के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। एआई संचालित उपकरण और सॉफ्टवेयर कीमतें काफ़ी अधिक होती है, जिससे कई किसान इसे अपनाने में संकोच करते हैं। दूसरा है लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज। एआई को समझना और उसे प्रभावी ढंग से उपयोग करना किसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए तकनीकी ज्ञान और परीक्षण की आवश्यकता होती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। तीसरा है कल्चरल एंड ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस। भारत एक ऐसा देश है जहाँ खेती पारंपरिक तरीकों से की जाती है। यहाँ नई तकनीकों को अपनाने में हिचकिचाहट हो सकती है। कई किसान अपनी पुरानी परंपरा और तरीकों से बंधे होते हैं और वह नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में संकोच करते हैं। चौथा है लैक ऑफ डेटा अवेलेबिलिटी। एआई की सफलता के लिए उच्च गुणवत्ता वाला डेटा ही आवश्यक होता है, लेकिन कई बार छोटे किसान के पास अपने खेतों से संबंधित पर्याप्त डेटा नहीं होता, जिससे एआई को सही से लागू करना मुश्किल हो जाता है। पांचवा है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। एआई के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे की कमी एक बड़ी चुनौती है, जैसे कि इंटरनेट की उपलब्धि, बिजली की आपूर्ति और सॉफ्टवेयर का उपयोग। ये सभी चीज़ें एआई के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ज़रूरी होती हैं। भविष्य में एआई एग्रीकल्चर का एक अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। जैसे जैसे प्रौद्योगिकी आगे बढ़ेगी, एआई उपकरण और अधिक उन्नत और सस्ते होंगे, जिसे छोटे किसान भी आसानी से अपना सकेंगे। एआई के जरिए हम न केवल अधिक उत्पादकता हासिल कर सकते हैं बल्कि पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी चर्चा एआई और खेती के भविष्य पर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला। अगर आप भी नई खेती में एआई को शामिल करना चाहते हैं या उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और नई तकनीक के साथ खेती को बेहतर बनाएं।